ग्वालियर में एसआईटी ने पीएमटी फर्जीवाड़ा मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी ग्वालियर में मत्स्य विभाग में तैनात क्लर्क का बेटा है और गजराज राजा मेडिकल कॉलेज में साल 2008 बैच का छात्र रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी संतोष जौहरी साल 2008 में ही दलाल विनोद शाके के संपर्क में आया। विनोद शाके ने संतोष को 2 लाख रुपए में पीएमटी पास कराने का भरोसा दिया। सौदे के मुताबिक विनोद ने संतोष की जगह पीएमटी परीक्षा में सॉल्वर को बिठा दिया। परीक्षा पास करने के बाद संतोष ने दलाल विनोद शाके की मदद से जीआरएमसी में दाखिला ले लिया। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि उसके पिता ने दलाल को देने के लिए 2 लाख रुपए दिए थे। पुलिस ने संतोष के पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वर्ष 2008 का छात्र जो कि संतोष जौहरी जिसका नाम है, पीएमटी में दलाल विनोद शाके के माध्यम से 2 लाख रुपए देकर के फर्जी रूप से सिलेक्ट हुआ था, जो कि ग्वालियर जीआरएमसी का स्टूडेंट है और जिसके फादर एक सरकारी कार्यालय में बाबू है और उन्होंने पैसे देकर के इसका फर्जी रूप से सिलेक्शन करवाया था। उसे गिरफ्तार करके रिमांड लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।